नमस्कार, मैं हूँ कांतागर। आज हम बनाएंगे पास्ता। पास्ता बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? ये पास्ता, ये इसमें डालने के लिए मसाले, लाल मिर्च, नमक, ये हींग, ये हल्दी पाउडर, ये जीरा, ये धनिया और ये गरम मसाला, ये थोड़ा हरा धनिया, ये रिफाइंड। और इसमें डालने के लिए सब्ज़ी, ये मटर लिए हमने, टमाटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाजर, आलू और थोड़ा नींबू। तो सबसे पहले हम ये पास्ता उबाल लेंगे। इसमें हम 2.5 गिलास पानी डालेंगे। ये हमारे पास्ता करीब करीब 300 ग्राम पास्ता है, इनमें हम 2.5 गिलास पानी डाल देंगे। और इसमें 2 चम्मच रिफाइंड, ये डाल के हम इसको उबाल लेते हैं। माइक्रोवेव में हम 6 मिनट पे उबाल लेते हैं। अब ये 6 मिनट हो गए और हमारी ये पास्ता उबल गई। अब हम ये चम्मच से इसको देख लेते हैं। इस तरह से ये हमारे पास्ता उबल चुके हैं। अब इनका हम पानी निकाल देंगे। इनका हम पानी निकाल देंगे। तब तक हम ये वाली सब्जी और माइक्रोवेव में 5 मिनट पे बॉईल कर लेते हैं। अभी हमारी सब्जी उबल चुकी है। अब हम गैस चलाएंगे। तो हम इसमें थोड़ा ऑयल डालेंगे तड़के के लिए। तो ये हमारा घी गरम हो गया। अब हम इसमें ये जीरा डालेंगे और ये हींग ये डाल देंगे। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, ये, और ये धनिया पाउडर, और उसके बाद ये मसाला हम भून लेंगे थोड़ा। ये मसाला भूनने के बाद फिर हम ये टमाटर डाल देंगे। थोड़ी देर ये टमाटर भूनने के बाद फिर हम ये उबली हुई सब्जी डाल देंगे। उबली हुई सब्जी अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर हम ये उबले हुए पास्ता डाल देंगे इसमें। इस तरह से इनको मिला देंगे। इस तरह से मिला देंगे। फिर हमने जो नमक और ये मिर्च, ये नमक डाल देंगे और ये लाल मिर्च और ये गरम मसाला, इनको मिला देंगे। ये नींबू का रस, थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे।
और ये हमारे पास्ता बनकर तैयार हो गई है। अब हम इनको गैस बंद कर देंगे। अब हम इनको सर्विंग बाउल में डालते हैं इस तरह से। इसमें थोड़ा सजाने के लिए धनिया की पत्ती डाल देंगे। और ये हमारे पास्ता तैयार। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।